दर्शकों का स्वागत है। दिन भर की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ हाजिर हूं मैं सपना। हर आचार संहिता लागू होने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर डीसी जैन मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने हनुमानगढ़ में निष्पक्ष चुनाव करवाने की बात कही। इसके अलावा भी उन्होंने और कई नई जानकारियां दी, इन सब पर नजर डालेंगे। लेकिन उससे पहले अब तक की सुर्खियां। आचार संहिता के बाद मीडिया से रूबरू हुए जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश चंद्र जैन, कहा निष्पक्ष चुनाव करने का है लक्ष्य। पेड न्यूज पर रखेंगे विशेष नजर, बोले जिला निर्वाचन अधिकारी डीसी जैन। 24 घंटे कार्य कर रहा कंट्रोल रूम, 20 जगहों पर लगाए जाएंगे चेक पोस्ट। और ब्लैकमेल करने के मामले में पूर्व पार्षद के पति संजय दुआ गिरफ्तार, लेखा अधिकारी राकेश मेहंदीरत्ता ने लगाए थे ब्लैकमेलिंग के आरोप। खबरें विस्तार से। जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश चंद्र जैन ने विधानसभा चुनाव को लेकर जिले में लगाई गई आचार संहिता के बाद बुधवार दोपहर को मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि जिले भर में आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करते हुए शांतिपूर्वक तरीके से और निष्पक्ष चुनाव करवाने का ही उनका लक्ष्य रहेगा। आचार संहिता के बाद मीडिया से मुखातिब हुए जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश चंद्र जैन ने कहा कि वो निष्पक्ष चुनाव करवाने के हक में हैं और इसको लेकर जिले में कई नवाचार किए गए हैं ताकि मतदाताओं की भागीदारी चुनाव में अधिक से अधिक हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला निर्वाचन अधिकारी के अलावा ADM प्रभाती लाल जाट, सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी सुरेश विश्नोई आदि मौजूद थे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने आचार संहिता लगने के बाद चुनावी गतिविधियों को लेकर विस्तृत जानकारी मीडिया को दी। सभी प्रेस के जो रिपोर्टर्स हैं और प्रेस के यहाँ पे संवाददाता हैं, उन सभी को आज आमंत्रित किया गया था ये बताने के लिए कि अब तक हमारे निर्वाचन में क्या प्रक्रिया हमने की गई है और क्या हमारे यहाँ होना था, उसमें विशेष रूप से VPAT की प्रक्रिया और जो जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है उसके बारे में जानकारी दी गई थी कि अभी द्वितीय चरण का हमारा VPAT का प्रचार अभियान चल रहा है। इसके अतिरिक्त अब तक जो नाम जोड़े गए हैं विधानसभा मतदाता सूचियों को जो अपडेशन का काम किया गया है उसके बारे में जानकारी दी गई थी। विशेष रूप से इसी संदर्भ में यह बैठक आज जो है आमंत्रित की गई थी। जिला निर्वाचन अधिकारी डीसी जैन ने कहा कि पेड न्यूज पर इस बार विशेष नजर प्रशासन की ओर से रखी जाएगी। इसको लेकर अलग से प्रकोष्ठ का गठन किया गया है जो प्रतिदिन प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आने वाली खबरों पर नजर रखेगा। पेड न्यूज पर पाए जाने पर प्रत्याशी के खाते में खर्चा जोड़ दिया जाएगा। पत्रकार बंधु भी हैं, वो वहाँ तय करेंगे कि ये इन्होंने सही माना है कि नहीं माना है। यदि वो भी मानते हैं कि ये पेड न्यूज़ है तो वो पेड न्यूज़ मानी जाएगी। उसमें दो चीज़ें हैं कि उसका पेड न्यूज़ का मतलब ये है कि संबंधित कैंडिडेट ने वो जो खबर है पैसे दे करके वो खबर प्रकाशित कराई है, ठीक है। तो उसका जो भी व्यय वो मानते हैं, जितनी बड़ी वो खबर लगी है उसका जो भी विज्ञापन की दर है और उसका जो सर्कुलेशन है उसके अनुसार विज्ञापन की दर से उसका पैसा कैंडिडेट के अकाउंट में लिख दिया जाएगा कि साहब इतना व्यय आपका इस पेड न्यूज़ के खातिर, पेड न्यूज़ के पीछे आपका ये व्यय हुआ है। और जो अखबार है उसके लिए प्रेस काउंसिल में वो मैटर भेज दिया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विधानसभा चुनाव को लेकर जिला मुख्यालय पर कंट्रोल रूम की व्यवस्था भी की जा चुकी है, इसकी स्थापना भी हो चुकी है जो 24 घंटे कार्य कर रहा है। कंट्रोल रूम का टोल फ्री नंबर है 1077। इसके अलावा कंट्रोल रूम का लोकल नंबर है 1015522609299 और 01552260300। इसके साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि जिले की कई जगहों पर सीमा और दूसरे राज्यों से मिलती है, लिहाजा इसको लेकर 20 जगहों पर चेक पोस्ट बनाई जाएगी। चेक पोस्ट पर किसी भी वाहन की जांच की जा सकती है, उसमें रखे हुए सामान की जांच की जा सकती है, लेकिन व्यवहार हमेशा सम्मानजनक रहेगा। हमने उसके लिए जो दरें थी मार्केट से हमने ली थी, हमने एक प्रक्रिया निर्धारित की थी कि भाई किसकी क्या दर है, औसत हमने ले लिया था। औसत लेके फिर जो यहाँ उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज की मीटिंग की थी उसमें बताया था कि भाई सामान्य जो बाज़ार की दरें हैं वो ये हैं, इसमें यदि आपको कोई आपत्ति है तो आप अभी बता दें। उनसे डिस्कस होने के बाद ही उसे जारी किया और उनकी सहमति से ही जारी किया गया है कि चाय की दर क्या होगी, नाश्ते की दर क्या होगी, कैनाप की दर क्या होगी, ऊपर टेंडेज लगाएंगे उसकी, जो भी वाहन की दर जो भी दरें हैं वो उसके द्वारा उस सब तरह से निर्धारित की गई है ताकि इलेक्शन के समय वो जो भी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उसका हिसाब लगाया जा सके।
नहीं तो वो रोज़ का विवाद रहेगा कि साहब आप मान लीजिए वो कहते हैं साहब 4000 किया हमने लोगों को बुलाया, वो कहते हैं साहब 50 आदमियों को खाना खिलाया। तो हमारे यहाँ वीडियो सर्विलेंस टीम इसीलिए बनाई हुई है कि वो जाके वहाँ की वीडियोग्राफी कर देंगे, उससे उस चीज़ का वेरिफिकेशन हो जाएगा कि उनको चाय पिलाया, नाश्ता कराया या कितने लोग आए उसकी संख्या मोटे तौर पर एक उसका अंदाजा उससे हो जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव आयोग ने इस बार नवाचार करते हुए सी विजिल ऐप लॉन्च किया है, जिससे कोई भी व्यक्ति आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित शिकायत इस पर कर सकता है। शिकायत मिलने के 100 मिनट में ये कार्रवाई की जाएगी। ये ऐप निवेशन की तारीख यानी कि 12 नवंबर से प्रभावी हो जाएगी। इसमें कोई भी व्यक्ति आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित गतिविधियों की लाइव फोटो या वीडियो डाल सकता है, लेकिन खास बात यह है कि वो ये फोटो या वीडियो लाइव हो और उसे 5 मिनट के अंदर अंदर ऐप पर अपलोड किया जाना चाहिए। इसके बाद इसमें कुल 100 मिनट के अंदर अंदर कार्रवाई पूरी की जाएगी। ये है कि कोई भी नागरिक कहीं पर भी अगर यदि MCC मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का यदि कहीं पर भी वायलेशन हो रहा है उसका वो फोटो खींच के और उस पर अपलोड कर सकता है, वीडियो वो डाल सकता है। अगर यदि वो अपना नाम पता बताना चाहे, टेलीफोन नंबर बताना चाहे तो बता सकता है, वो नहीं बताना चाहे तो नहीं बता सकता है। पर उसमें नहीं बताने में केवल ये कि हम आगे क्या एक्टिविटी कर रहे हैं उसकी सूचना उसको वापस नहीं मिलेगी। अगर यदि वो मोबाइल नंबर देंगे तो उसकी शिकायत पर क्या कार्यवाही हुई है ये उसको ज्ञात रहेगा, मतलब उसकी सूचना उसको अपडेट होता रहेगा। उसमें उसको 5 मिनट का समय, 5 मिनट में वो अपलोड कर सकता है अपनी फ़ोटो वीडियो जो भी कुछ है, वो जहाँ है वहाँ से वो अपलोड कर देगा और उसका लोकेशन पिन ऑटोमेटिकली वो कैप्चर करेगा और उसकी लोकेशन भी उसके साथ हमारे को मिलेगी कि ये शिकायत कहाँ से की गई है। और ये माना जा रहा है कि क्योंकि 5 ही मिनट में उसको अपलोड करना है, 5 मिनट के बाद वो अपलोड नहीं कर सकता है तो लोकेशन बहुत ज़्यादा चेंज उसकी नहीं होगी। 5 मिनट में बहुत ज़्यादा भागे तो भी 1-8 किलोमीटर का डिफरेंस उसमें रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। गैलरी का फ़ोटो कोई भी अपलोड उसमें नहीं कर सकता, लाइव फ़ोटो ही उसमें अपलोड होगी। मतलब वो ऐप आएगा, ऐप आने के बाद आएगा आपको वीडियो लोड करना है कि आपको उसमें फ़ोटो अपलोड करनी है। फ़ोटो पे आप क्लिक करेंगे तो फ़ोटो आप खींच के भेज सकते हैं, वीडियो पे अपलोड करेंगे तो वीडियो बना के आप भेज सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि साहब आपके ऑलरेडी कहीं गैलरी में आपके फ़ोन पे कोई फ़ोटो है तो आप अपलोड कर सकें, वो उसमें अपलोड नहीं हुआ, आपको लाइव फ़ोटो जो है उसमें अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारी के पास 5 मिनट का समय है, जिससे भी उसको जाँच करानी है उसके लिए वो भेजेगा। जाँच करने वाला जो भी अधिकारी है वो उसकी अभी तक जो समय सीमा है वो 45 मिनट है, 45 मिनट वो मौके पे जाके अपनी जांच करके हमारे को भेजेगा और 30 मिनट में रिटर्निंग ऑफिसर उस पर अपनी जो भी टिप्पणी डालनी है, जो भी उसमें उसने कार्यवाही की है तुरंत कर दी है तो तुरंत कार्यवाही का विवरण देगा, या आने वाले समय में यदि वो कार्यवाही करेगा तो उसका टाइम फ्रेम देगा कि उसको 2 दिन में 3 दिन में जो भी रेक्टिफिकेशन करना है या जो भी कार्यवाही करनी है वो करके और दे देगा। अगर यदि 5 मिनट में जिला कार्यालय ने रेस्पॉन्स नहीं दिया तो वो ऑटोमेटिकली मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान के पोर्टल पे चली जाएगी वो शिकायत, और 5 मिनट में यदि उन्होंने रेस्पॉन्ड नहीं किया तो वो ECI को चली जाएगी, मतलब फिर उसमें ECI डायरेक्शन जो देगा वो कार्यवाही उसमें होगी। इस तरह की प्रक्रिया उसने की है केवल इसलिए कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को किस तरह से ज़्यादा प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकता है इस बारे में ये प्रक्रिया की गई है। विशेष रूप से कहीं कोई पैसे बांट रहा है, शराब बांट रहा है, कोई सामान बांट रहा है, इस तरह की कोई सूचनाएं हैं तो वो उसके माध्यम से आप जो भी आम नागरिक है वो अपना दे सकता है, वो चाहे तो अपना नाम बताए, चाहे तो अपना ना अपने अपनी पहचान उजागर कर सकता है, और वो चाहता है कि नहीं उजागर हो तो वो नहीं भी कर सकता है, दोनों तरह से वो सूचना अपलोड कर सकते हैं। कुछ और खबरों का रुख करेंगे। नगर परिषद के लेखा अधिकारी राकेश मेहंदीरत्ता को फोन पर जानमाल का नुकसान पहुंचाने की धमकी व 7 लाख रुपए देने के ब्लैकमेल के मामले में टाउन पुलिस ने मंगलवार देर रात एक जने को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान संजय दुआ पुत्र फतेह चंद अरोड़ा निवासी सूरतगढ़ के रूप में हुई है, उसे श्रीगंगानगर से गिरफ्तार किया गया है। नगर परिषद के लेखा अधिकारी राकेश मेहंदीरत्ता ने पुलिस में ब्लैकमेलिंग से संबंधित एक मामला दर्ज करवाया था, जिसके तहत उन्होंने आरोप लगाया था कि संजय दुआ आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उसने पूर्व में भी उन्हें ब्लैकमेल किया था।
इस संबंध में राकेश मेहंदीरत्ता ने सूरतगढ़ पुलिस थाने में आरोपी के खिलाफ मामला भी दर्ज करवाया था। 13 मई की रात को करीब 10 बजे उसके मोबाइल पर संजय दुआ ने कॉल भी की थी और उन्हें गंदी गंदी गालियां दी थी, परिवार की महिलाओं के बारे में अश्लील बातें की थी। इसके साथ साथ 7 लाख रुपए देने के लिए भी डराया धमकाया, रुपए नहीं देने पर जान माल के नुकसान की धमकी दी। मेहंदीरत्ता ने संजय दुआ से फोन पर 3 मिनट 10 सेकंड हुई बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी पेश की है। केस मेहंदीरत्ता के द्वारा एक केस एक्सटॉर्शन का दर्ज करवाया गया था, जिसमें संजय दुआ निवासी सूरतगढ़ मुलजिम थे। इन्वेस्टिगेशन के दौरान कल इनको रात्रि में गिरफ्तार किया गया, आज न्यायालय में पेश किया जाएगा और आगे इन्वेस्टिगेशन के लिए रिमांड प्राप्त किया जाएगा। 1 लाख रुपए की डिमांड इन्होंने की थी, उसके लिए इनको धमकी दी गई थी कि पैसे नहीं देने पे जान से मारने की, गाड़ी गलौज की। उस मामले में वॉइस रिकॉर्ड भी थी और इन्वेस्टिगेशन से मामला प्रमाणित पाए जाने पर इनकी गिरफ्तारी हुई है। और बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के उस पार हम देखेंगे दुर्गा पूजा की तैयारियों के साथ साथ टाउन और जंक्शन में हो रही रामलीला की, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक। Baby Happy Modern PG College, a brand for quality education. Students के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे BSc, BCom, BCA, BA, MSc Chemistry, Physics, Botany, Zoology, Mathematics, Computer Science, MCom, ABST, MA Geography, Sociology, Punjabi। महाविद्यालय स्टाफ की कड़ी मेहनत से गत 6 वर्षों के परीक्षा परिणाम में 145 विद्यार्थियों ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की वरीयता सूची में स्थान प्राप्त कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। महाविद्यालय कॉर्पोरेट वर्ल्ड को ध्यान में रखते हुए समय समय पर विद्यार्थियों के लिए करियर गाइडेंस सेमिनार आयोजित करवाता है। महाविद्यालय में सभी प्रायोगिक विषयों की सुसज्जित लैबोरेटरीज, प्लेग्राउंड तथा ट्रांसपोर्ट आदि की सुविधाएं उपलब्ध है। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कुछ और खबरों का रुख करेंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हनुमानगढ़ व स्वास्थ्य विभाग की तरफ से विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ओपी सोलंकी की अध्यक्षता में ये कार्यशाला रखी गई। इसमें आम जन को मानसिक रोग के लक्षणों व उसके निवारण और मानसिक रोगियों के लिए उपचार स्कीम के बारे में पूरी जानकारी दी गई। मानसिक रोग लाइलाज नहीं है, इसके लक्षणों को समय पर पहचान कर तत्काल अन्य रोगों की तरह काउंसलिंग कर मनोचिकित्सक से इलाज शुरू करवाना चाहिए, ताकि विश्व और भारत में बढ़ते मानसिक रोगियों का उपचार हो सके और वो स्वस्थ जीवन यापन कर सकें। यह कहना है अधिवक्ता नरेंद्र वर्मा का। जी हाँ, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हनुमानगढ़ व स्वास्थ्य विभाग की तरफ से विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें वक्ता डॉक्टर सोलंकी ने मानसिक तनाव व बीमारियों के लक्षणों के व उपचार के संबंध में विस्तृत जानकारी दी और बताया कि मानसिक रोग आजकल की बेतरतीब दिनचर्या के कारण ज्यादा बढ़ रहा है। मोबाइल क्रांति के कारण इंटरनेट आसक्ति मानसिक रोग से प्रत्येक व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पीड़ित होता जा रहा है, जिससे समाज में बिखराव शुरू हो चुका है। व्यक्ति अपने परिवार को कम समय देकर मोबाइल पर लगा रहता है, जिससे अपराध भी बढ़ रहे हैं व परिवारों का विखंडन शुरू हो चुका है। मरीज की नींद पूरी नहीं हो पाती है। कुछ लोगों के कामकाज पर भी इसका असर पड़ रहा है, वो इससे नौकरी तक छोड़ देते हैं। जो इंटरनेट आसक्ति रोग से ग्रस्त होते सेम डिप्रेशन की बारे में मैं क्या करूँगी, मुझसे छुटता नहीं है कि जब भी आँख खुलेगी रात के बाद मोबाइल देखूंगा, दिन में भी जब भी मैं देखूंगा तो मोबाइल देखूंगा, ये भी एक रोग है। तो WHO ने जो थीम दी है कि युवाओं में मानसिक स्वास्थ्य किस तरीके से प्रभावित कर रहा है, उसमें इंटरनेट का भी एक बहुत बड़ा रोल है। तो ये चीज़ें आपको पहचाननी है, ये मानसिक अवसाद, मानसिक रोग, मानसिक विकार हमारे स्वास्थ्य को तो प्रभावित करता ही है, साथ में हमारे मस्तिष्क को भी इसका बहुत गहरा असर होता है। सोशल लाइफ खराब होती है, आपकी फैमिली लाइफ खराब होती है, आपका इंटरेक्शन कम हो रहा है। आप खुद सोच के देखेंगे, पहले जब 20 साल पहले ये मोबाइल आए नहीं थे, तब हम लोग आपस में बात करते थे, हमको यही नहीं पता आज हमारे पड़ोस में कौन रह रहा है सारा कुछ, क्योंकि हम हमारी प्रोडक्टिविटी जो है, जो हम जिस समय में हम कुछ कर सकते हैं, जो समय हम हमारे घर में बच्चों को दे सकते थे,
आस पड़ोस में दे सकते थे, बाहर जा सकते थे। अपना एप्पल का फोन यूज नहीं किया है, नहीं किया है उन्होंने, यूज नहीं किया, यूज ही नहीं किया है, तो उनको पता है इनके साइड इफेक्ट्स क्या है। आप अपने वातावरण में यदि अपने आसपास भी देखें तो शुरू शुरू में मधुमक्खियों के छत्ते हुआ करते थे, आज की डेट में कोई मधुमक्खियों का छत्ता नहीं मिलेगा आपके आसपास। पहले ये घूमती थी मधुमक्खियाँ, उड़ती थी, तो वो एक जीव अपना अस्तित्व समाप्त कर चुका है इस मोबाइल टावर्स की वजह से, इसकी वजह से। धीरे धीरे इनका असर चिड़ियों पर पड़ा, आज गोरैया चिड़िया जो चहचहाट करती थी अपने सुबह उठते थे वो गायब हो चुकी है अपने इस वातावरण से, ततैये वो गायब हो रहे हैं, तो एक इकोसिस्टम प्रभावित हो गया। इसी तरह से एक दिन यदि अपने इससे दूरी नहीं बनाएंगे तो अपना भी अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा, क्योंकि आज जब सुबह उठते हैं तो देखते हैं 98% बैटरी है, लगाओ चार्ज में, ये भी एक मानसिक अवसाद है। देखते हैं इंटरनेट नहीं आया, एक दिन बंद हो गया, परीक्षा थी, सारे बेचैन बेचैन उठे। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे ढंग से अपने को विस्तारपूर्वक बताया है, अपने उन चीज़ों का अमल करना, उन चीज़ों पर अपने दैनिक जीवन के अंदर अपने खुद ही सोचे, पहले अपने एक दूसरे से मिलकर बात करते थे, बात करनी होती थी चला के उसके पास जाते थे, दो फायदे होते थे उसके, एक तो हमारी आने जाने की वर्जिश हो जाती थी, दूसरा हम उसके भावुकता के रूप में उससे जुड़ते थे। आजकल क्या है कि मोबाइल पर हम मैसेज भेजते हैं, बात भी बहुत कम करते हैं, तो वो जो बीच का लगाव है ना वो धीरे 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 कम हो रहा है। जब आपका लगाव कम होएगा तो वो धीरे धीरे मानसिक रोग को उत्पन्न की ओर लेके जाता है, तो ये जो भावुकता है ना ये मोबाइल के साथ वाली, इसको अपने धीरे धीरे कम करना, हो सके जितना होए अपने एक दूसरे से सीधी बात करें, फेस टू फेस बात करें। उससे क्या है कि दो तरह की एनर्जी होती है, पॉजिटिव नेगेटिव, अगर अपने नेगेटिव बात करते हैं तो वो नेगेटिव एनर्जी आती है, और जब अपनी पॉजिटिव बात होती है तो शरीर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है, जब पॉजिटिव एनर्जी आएगी तो अपने जो रक्त का हार्मोन का संचार है वो उतना पॉजिटिव होएगा, तो अपने को पॉजिटिव वातावरण मिलेगा, मतलब जो है ना अच्छा वातावरण मिलेगा। जिसमें आज ये बताया गया कि विश्व स्वास्थ्य दिवस पर जो अपने आसपास मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग हैं उनके बारे में जानकारी दी गई, और ये बताया गया कि आज समाज के अंदर जिस हिसाब से मानसिक रोगियों का बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं उनको कैसे दूर किया जा सके, और हमारे डॉक्टर साहब ने भी बताया था कि इसको एक रोग की तरह ना माने, और जो भी इस तरह के रोगी आपको आसपास दिखाई दे तो उनका प्रेम से उनको समझाएं, उनका इलाज करवाएं। और अब बात करेंगे दुर्गा पूजा की। दुर्गा पूजा महोत्सव का भव्य शुभारंभ कलश यात्रा के साथ हुआ, जो दुर्गा पूजा समिति की ओर से महावीर दल धर्मशाला के बाहर 501 कलशों की यात्रा रवाना की गई। कलश यात्रा को नगर परिषद सभापति राजकुमार निसारिया, अमित सहू, रघुवीर वर्मा, देवेंद्र पारेख ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कलश यात्रा यातायात थाने से होते हुए मेन बाजार, हिसारिया मार्केट चौक, सुभाष चौक, धान मंडी से होते हुए मिथिला मंदिर वार्ड नंबर 35 पर जाकर समाप्त हुई। नवरात्रे शुरू हो चुके हैं और हर जगह दुर्गा पूजा शुरू हो चुकी है। इसी कड़ी में दुर्गा पूजा समिति की ओर से मिथिलांचल वासियों ने टाउन के वार्ड नंबर 35 के मिथिला मंदिर में दुर्गा पूजा की शुरुआत की, जिसमें 501 विशाल भव्य कलशों की यात्रा के साथ इसकी शुरुआत की गई। इसमें सैकड़ों की संख्या में पूर्वांचल की महिलाओं ने भाग लिया। दुर्गा पूजा महोत्सव को लेकर इस बार श्री दुर्गा पूजा समिति ने पर्यावरण का विशेष ध्यान रखा है। मां की प्रतिमा का निर्माण स्थानीय मिट्टी से किया जा रहा है और किसी भी प्रकार की ऐसी सामग्री का प्रयोग नहीं किया जा रहा जिससे पर्यावरण और नदी को नुकसान पहुंचे। केमिकल युक्त रंगों से नहरों में पानी विषाक्त हो जाता है, इसलिए इस बार प्राकृतिक रंगों का ही इस्तेमाल किया जा रहा है।
दिवस है, वो त्योहारों का और परंपराओं का देश है। और हमारे हनुमानगढ़ में पूर्वांचल के जो हमारे भाई बंधु है, जो मातृशक्ति है, तो आज दुर्गा सेवा समिति, मिथिला सेवा समिति और हमारे समस्त पूर्वांचल वासियों द्वारा एक बहुत भव्य कलश यात्रा, जो कि हर साल माता दुर्गा के अभिनंदन के स्वरूप पूरे शहर में निकलती है, सबसे भव्य और सबसे बड़ी कलश यात्रा जिसको मैं कहूँगा। पूजा समिति द्वारा आज माता का बहुत बड़ा विशाल कलश यात्रा हुआ है। आगे सप्तमी का पट खुलेंगे, दरवाज़ा जिसको दर्शन कहते हैं, माता को दर्शन होंगे और रात को जागरण भी है। 16 तारीख को विशाल जागरण, जो बिहार से भी आए हुए हैं कलाकार, उनके द्वारा भी होंगे। और 18 तारीख को भी बहुत बड़ा जागरण है और 19 तारीख को विसर्जन होंगे, जो माता को विसर्जन होंगे और खुंजा नहर में। और जंक्शन स्थित गांधीनगर धर्मशाला के प्रथम नवरात्र स्थापना के अवसर पर गांधीनगर वासियों ने माता के दरबार में अखंड जोत जलाकर बेटियों की पूजा की। गांधीनगर में शिव मंदिर में माता का दरबार लगाकर पूजा अर्चना के कार्यक्रम में संयोजक विजय कौशिक ने बताया कि नवरात्र पर्व बेटियों का पर्व है, उसे उनकी सम्मान, उनकी रक्षा के संकल्प का पर्व है। बेटियां सबकी साझी होती हैं और नवरात्र पूर्ण नवमी पर दशहरे के दिन कन्या पूजन व भंडारे का कार्यक्रम रखा जा रहा है। इस अवसर पर उपसभापति नगीना बाई, पार्षद गुरदीप सिंह बराड़, हरकमल सोनी और विजय कौशिक सहित शहर के कई गणमान्य नागरिक व वार्डवासी भी उपस्थित थे। धर्मशाला के अंदर 10/10/2018 को यहाँ नवरात्रा स्थापना की गई है मंदिर के अंदर, सभी गांधीनगर वासियों के सहयोग से। और ये कार्यक्रम जो है, हमने गांधीनगर के लोग मार्केट में जाने के लिए कोई मार्ग नहीं था, हमने ये गुहार की प्रशासन से, तो हमारी जो है उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। तो यहाँ गांधीनगर से मुख्य बाज़ार जाने के लिए अंडरपास और ओवरब्रिज की मांग हमारी मंजूर कर ली गई, जिसमें अंडरपास का कार्य तो शुरू भी हो चुका है। उस उपलक्ष्य में हमने ये 9 दिन का यहाँ माता का कीर्तन, भजन मंडली यहाँ रोज़ाना कीर्तन करेगी, रोज़ाना यहाँ हवन होगा और अंत में प्रसाद वितरण और कन्या पूजन का कार्यक्रम यहाँ सभी गांधीनगर वासियों के सहयोग से रखा गया है। वार्ड नंबर 38 सभी के सहयोग से ये कार्यक्रम चलेगा। इसके अंत में हम बेटी बचाओ बेटी अभियान के अंतर्गत बेटियों का पूजन, इस तरह का प्रोग्राम भी रखेंगे। और हमें जो हमारी मांग बहुत समय से मतलब चल रही थी, जिसके लिए आज हमारी वो मांग पूरी हुई है, हम प्रशासन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और अब बात करेंगे रामलीला की। टाउन की नगर परिषद रंगमंच पर रामलीला समिति द्वारा आयोजित रामलीला के पांचवें दिन सीता विदाई कन्यादान नाटक का मंचन किया गया। रामलीला के आरंभ में भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न आदि की झांकियां दिखाई गई। कन्यादान के पश्चात बारात के अवगत की गई और बाद में विदाई का दृश्य दिखाया गया। समिति सचिव दिनेश तलवाड़िया ने बताया कि श्री रामलीला समिति द्वारा हर वर्ष एक नए ढंग से कुछ नया दिखाने की लालसा रहती है, जिससे कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जीवन लोगों को रामलीला के माध्यम से दिखाया जाए, ताकि लोग रामायण से जीवन का सार सीख सकें। शरणं हरिं सर्वेषु आरम्भकार्येषु त्रयस्त्रिभुवनेश्वराः देवः दिशन्तु न सिद्धिं ब्रह्मेशान् जनार्दनाः विश्वेश्वं माधवं ढुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवम्। मंदिर में
बड़ी जात जी बैठा। आए हुए काफी समय हो गया है, वहाँ पर राज कार्य भी बाधित हो रहा है, अब हमें राजा जनक से विदाई लेनी चाहिए। कैसी आगे गुरुदेव। जनक जी हमें अयोध्या से आए हुए बहुत समय हो गया है, वहाँ राज कार्य में बाधा आ रही है, इसलिए हमें शीघ्र विदा कीजिए। मन तो नहीं चाहता, मेरा मन ऐसा चाहता है यहाँ आप कुछ दिन और विश्राम करें। भगवान श्री राम की रामलीला का शुभारंभ जिला कलेक्टर दिनेश चंद्र जैन व युवा नेता अमित सहू ने रिबन काट कर इसकी शुरुआत की। रामलीला के पहले दिन रावण नंदी का संवाद नारद मुनि के दृश्यों का मंचन किया गया। कलेक्टर दिनेश जैन ने कहा कि यह रामलीला सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक है जिसमें सभी धर्मों के लोग भाग लेते हैं। उन्होंने कहा कि इस रामलीला में मुस्लिम समुदाय के लोग भी अभिनय करते हैं जो माहौल में अपने आप में एक मिसाल है। गौरतलब है कि यह रामलीला पिछले 31 वर्षों से हिंदू मुस्लिम व अन्य धर्मों के लोग मिलकर कर रहे हैं। दशरथ अजर बिहारी राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम जय। उपस्थित सभी कार्मिक बंधुओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। राम हमारे समाज में आदर्श पुरुष माने जाते हैं और जहाँ कहीं भी आदर्श की बात आती है सबसे पहले भगवान श्री राम का नाम आता है और भगवान श्री राम के कारण ही हमारी आज की जो अब तक हमारी जो संस्कृति चल रही है उसका आधार स्तंभ यदि हम कहें तो रूप से ये साधुवाद के पात्र हैं। मुझे यह भी बताया गया है कि इस रंगम में इस रामलीला के जो भी पात्र हैं वो सब यहाँ इसी मोहल्ले के स्थानीय लोग हैं, तो यह जान के मुझे बहुत ही खुशी हुई। संस्कृति जिसको हम कहते हैं एक मिला जुला जो हम परिवार है हमारा परिवार है उसका ये परिचायक है। निश्चित रूप से समिति के सभी सदस्य जो ये आयोजन कर रहे हैं वो धन्यवाद का पात्र हैं। मैं एक बार पुनः आप सभी को इस जान में एक सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक पूरे जिले में हुकूमत और पूरे राजस्थान में बन चुकी हमारी रामलीला इसकी पूरी आयोजन कमेटी हम उद्घाटन नहीं कर सकते पर भगवान श्री राम खुद आकर उस बात का उद्घाटन कर देंगे। आप सबको बधाई पुणे और जो भी स्वामी विवेकानंद रंगमंच क्लब के कलाकार हैं उन सब को जो इतना शानदार कार्यक्रम भगवान राम की लीला हर वर्ष जो ये मंचन करते हैं और पूरे हनुमानगढ़ में ही पूरे राजस्थान में एक सांप्रदायिक सौहार्द का जो प्रतीक हमारी रामलीला बनी है इसके लिए आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। जय हिंद। जिस प्रकार का चरित्र भगवान श्री रामचंद्र जी का था हम उन जैसे नहीं बने लेकिन थोड़े से अगर उनके आदर्शों को हम निभाने का प्रयास करेंगे कुछ उनकी बताई हुई बातों पर उन जैसा बनने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से ये रामलीला हमारा करना और रामलीला हमारा सुनना रामलीला हमारा देखना सार्थक होगा। इस
क्लिनिकल सेंटर का शुभारंभ टाउन जंक्शन रोड पर बुधवार को हुआ। संचालक डॉक्टर आर के सिहाग ने बताया कि संस्थान में फिजियोथेरेपी से संबंधित सभी सेवाएं आमजन को उपलब्ध करवाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि संस्थान में न्यूरो रिहैबिलिटेशन को एडवांस करते हुए स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पैरालिसिस के मरीज हेप्लोजिया जिसमें शरीर का कोई भी अंग काम नहीं कर रहा से ग्रस्त लोगों को ऑल ओवर वर्ल्ड बेस्ट से बेस्ट फिजियोथेरेपी सुविधा देने का प्रयास किया जाएगा। अब बिना ऑपरेशन के भी आप बीमारियों का इलाज करवा सकते हैं, इसके लिए टाउन में एक्टिव लाइफ पॉलिटेक्निकल सेंटर शुरू हो चुका है। इसके संचालक डॉक्टर आर की सिहाग ने बताया कि बीमारियों के इलाज लेने के लिए पहले लोग दिल्ली, बेंगलुरु और साउथ इंडिया में जाते थे, पर अब उनके सामने ये सारी सुविधाएं उनके संस्थान ने उपलब्ध करवाई हैं। उन्होंने बताया कि इसके अलावा संस्थान में पीटीडिएशन होम्योपैथिक के साथ साथ डेंटल क्लिनिक की भी सुविधा होगी। डॉक्टर रामकुमार सिहाग ने बताया कि स्लिप डिस्क, रीढ़ की हड्डी आदि में कंप्रेशन से ग्रस्त मरीजों का बिना ऑपरेशन के इलाज भी संस्थान में उपलब्ध रहेगा। फिजियोथेरेपी से रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो टोटल अवेलेबल हैं। इसमें न्यूरो रिहेबिलिटेशन को एडवांस करा गया है जिसमें स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, पैरालिसिस के पेशेंट, हेमिप्लेजिया का जिनमें पूरा शरीर काम नहीं कर रहा है, शरीर का कोई अंग काम नहीं कर रहा है, उनके लिए ऑल ओवर वर्ल्ड से बेस्ट फिजियोथेरेपी सुविधा देने के लिए यहाँ कोशिश करी गई है। इसमें अनवेइंग सिस्टम, टिल्टिंग टेबल, फुट रोप मशीन्स, जिसमें ये समझो कि भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई है, किसी को डॉक्टर ने फिक्सेशन कर दिया है, उसके बाद जो फिजियोथेरेपी होती है जो हम मेट्रो सिटीज़ में जाके दिल्ली, बेंगलोर या साउथ इंडिया में जो अवेलेबिलिटी है, या अपन बात करें तो कुछ लमसम जयपुर में मिलेगी, उनसे उनके इक्वल अपन ने कोशिश करी है हनुमानगढ़ में वो सारी फैसिलिटी देने की। साथ ही साथ यहाँ पीडियाट्रिशियन की फैसिलिटी रहेगी, होम्योपैथी की फैसिलिटी रहेगी, वो डेंटल क्लिनिक है उसमें एनी टाइम 24 घंटे डेंटल क्लिनिक में डेंटिस्ट बैठेंगे। और बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, कल आपके सामने कुछ और खबरों के साथ पेश होंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।